बिट्टू आज वैलेंटाइन डे है बेटे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। की करिए, सानू साड़ी किसी नू कदर ही है नहीं कि सानू कोई कदर नहीं हैगी। सानू नहीं, सच साड़ी किसी नू कदर नहीं हैगी। साडे नाल कोई प्यार ही नहीं करता, ना सानू किसी ने वैलेंटाइन डे बोलिया। सवेरे उठ के बोलिया सी मैं कदों बोलिया सीगा? तू सुत्ती पी सी उस टाइम बोला सी। अच्छा, फिर तो उस टाइम तो मेरे कान नहीं चलते होंगे। कान तो जनानियां तो मेरे सुत्ते पे भी जागदी होंदियां। हैं। जनानियां तो सुत्ते पे भी जागदियां, उन्हें तो कान ऐ खड़े रहते हैं हर टाइम। दसो, सब नू पता है कल मैं किन्नी ढिली हो गई सी, पर फिर भी तुसी उपरों उपरों भी नहीं किया। सवेरे उठ के चल जी, अखा बंद सी अखा खोल दे, जो खोलियां सी ओदी बोल दें। हुण बोल दिते हैप्पी वैलेंटाइन ना डे। ना, ये चीज़ नहीं मैं मनती। कोई अच्छा जा गिफ्ट लिया के देना पऊगा। गोभी का फूल लिया दो, ना, सूट लिया दो बस एक आपदी पसंद का। किन्ने बजे तक होंगे वैलेंटाइन डे? इन्ना तो पता ही है थोनू, रात 1 बजे तक। दुकाना तो 8 बजे बंद हो जाती हैं। मेरी नाइट ड्यूटी है, 12 बजे आऊंगा। चल कोई नहीं, पैसे दे दो, मैं आप ही ले आऊंगी जाके। 250 रुपये डाल लूँ। हाँ बस 50 रुपये का ही आ जाऊगा। बस 50 दे नाल ना एक बिंदी होर पा दियो। नाश्ता खाना है? यस, टाइम हो गया, फटाफट कर। ठीक है मिठू, चलो अंदर चलिए आप। चलो हेलो हाय, किवें हो तुसी सारे जने? दिल तो वेलकम कर दी मैं थोड़ा सारिया का। ते अज जिवें तुसी देखिया, हसबेंड थोड़ा जा मतलब घट हाँ हूँ करी जाते हैं, जवाब घट दे रहे हैं। तो मूड किसी टाइम इन्हों का इस तरह ही होंगे हैगा। तो मूड भी कुछ हेल्थ वाइज भी मेरे हसबेंड भी थोड़ा जा ना किसी टाइम अपने आप में ढिला महसूस कर लग जाते हैं, तो हो भी जाते हैं, महसूस तो करते हो भी जाते हैं। तो मैनू कल कह रहे थे, कहें मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही हैगी। जिस तरह मैं दसती हूँ कि मेरी भी हेल्थ इस तरह ही हो जाती हैगी है। तो जिवें तुसी कल देखा सीगा है ना वीडियो दे विच, कल तो मेरे को उठ्या भी नहीं सी जा रहा हैगा, तो रुक रुक के मैं काम करी जांदी सीगी। तो कल रात नू फिर मैं उठी, तो फिर मैं बनाए छोले चावल। तो जिहड़ा कल मैं मसाला पीसिया सीगा ते ओहदे नाल मैं बनाए सीगे छोले, क्योंकि छोले मैं ना भिउंते सीगे दिन वेले भिउंते सीगे। फिर उस तो बाद मैं रात को तड़का लाता, तो मैं ये सोचा मैं चल सब्जी बना के रख दिनी हैगी हाँ। तो सब्जी बनी हुई तो अगले दिन भी काम आ जाती है, राजमा होए छोले होए। तो कल तो रात को असी घट ही मतलब खा पाए सी, तो पर मैं सवेरे उठ के मैनू एक ना सुकून जहा मिल गया। जो हेल्थ इस तरह हो जाती है ना तो बनाने का भी मन ना करे। तो कहते ना जिस टाइम मन ठीक हो फटाफट कुछ भी है तुम बना के रख दो। ते हुण बन रही हैं जी परौंठियां। परौंठियां जिवें आपां सवेरे आपां खाने ही परौंठियां है ना, ते ये मिठू दी परौंठी है। ते अज मैं बनाई है परौंठे, नून मिर्च ते थोड़ी जी कसूरी मेथी पा के, ते बहुत वधिया ये परौंठे बन के तैयार हो जाते हैगे है। कहिंदे ना कोई किसे टाइम सब्जी भी नहीं हुंदी ते इस तरह दी आपां परौंठियां बना के खा लीए ना, चाह नाल खा लीए, मलाई नाल खा लो, मक्खन नाल खा लो है ना, ते वधिया लगदी है। सारा दिन कहिंदे आ सब्जियां भी नहीं स्वाद लगदियां हैगियां। ते हुण देख लो जी, ये हैगी है मेरी प्लेट, इन्हां नूं मैं दे चुकी सी नाश्ता, ये करके मदद चले गए सीगे ऑफिस। ते फिर उस तो बाद देख लो मैं रसोई दे विच आ गई। रसोई दे विच आ के मैं सारा कुछ अज थोड़ा जा ना बस साफ सफाई का काम किया सीगा, ते ओ थोनू नहीं पता चलना हैगा। ते जिस तरह रूटीन दे विच ही हल्की फुल्की जी जिहड़ी आपां सफाई करदे हैगे आ, ते भांडे मैं मांजते सी, कंसां वगैरह सारियां साफ करतियां सीगियां, ते मलाई कढ़ी हुई सी। ते अज मैं मलाई का मक्खन नहीं बनाया, सीधी मलाई कढ़ाई दे विच
पाई तो मैं इस तरह घ्यो बना लग गई। तो सिम गैस से बस मैं इस तरह रख दूंगी तो हिलाई जाऊंगी। अज मेरा ना मक्खन कढ़न का भी मूड नहीं सी, मन नहीं सीगा बिल्कुल भी मेरा कि मैं इस तरह मतलब काम नू थोड़ा जा वधा के करा। तो कई बार ना इस तरह ही कर लग जाता अपना मन है ना, तो ना चाहते हुए भी अपन जो काम करना पैंता है फिर आप तरीके इस तरह के लभद हाँ कि सू थोड़ा जा ना काम जल्दी कर मन मतलब बन जाता है अपना। तो हूँ बस नाश्ता हजे करके किचन साफ करके तो मैं थोड़ी देर सोचा सी बाहर बैठ जा, पर मैं ना बाहर नहीं बैठी, मैं सीधा चली गई नहाने वास्ते। ना के आके पहला सब तो पहला मैं देख लो पिछे रजाई पाई पई है, रजाई पाई पर अज ना हवा इन्नी चल रही सी। तो अज मैं फिर नहाने तो बाद धुप्पे बह गई तो हवागी। कई बार ना आप जान बुझ के अपनी बॉडी के नाल पंगे लैन लग जाने तो वह अपने को ना गलती नाल दिते जाते हैं। ए तो 5-10 मिनट मैं अंदर बैठी सी, फिर उस तो बाद मैं बाहर आ गई। तो अज मैं पाया होया नवा सूट, तो वैसे मैं कल भी पाया होया सीगा ए सूट, तो कल तो शाम नूं ही पाया सीगा मैं, क्योंकि मैं सोचा सी एक दो मेरे ना अपने मतलब घर दे काम सीगे ते किसी दे घर भी जाना सीगा, ते मैं कहा चल मैं सूट पाई लैनी हैगी हाँ। ये जिहड़ा गर्म सूट मैं तुहानूं दिखाया सी ना सवाया, तो फिर मैं कल पाया सीगा। हुण तां अगे अगे ये भी सूट नहीं पहने हैगे, बस कहिंदे ना एक बारी नवा नवा सूट आपां नूं पाउण दा शौक हुंदा है, पर जदों अंदरों बॉडी इजाजत नहीं ना दिंदी तो फिर आपां उहदी भी मतलब ना वैल्यू नूं डाउन कर दिंदे हैगे आ। तो कितें मैं पा के है ना तो वीडियो बनानी हाँ, तो मतलब एक कहें ना चाहे कपड़ा कोई भी होवे पर अपने मन में पा जाता है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है बहुत ही ज़्यादा। तो ये मैं थोनू दिखाऊंगी पर अज नहीं दिखाती हैगी, अज तो वीडियो इस तरह ही चली जाऊगी। तो ये मैं अगों अगों पानी मतलब पा रही हैगी हाँ। मैं पहला सोचा से सवेरे ना वेड़ा धोदा उठ के, तो मिट्टी बहुत हो पी सी क्योंकि जदों का पेंट का काम होया सी ना वेड़ा धोता नहीं सीगा, बस इस तरह ही मैं अगों अगों धो दिनी हुन्नी आ। तो बहुत अच्छा लग रहा अज ना पानी का काम करना अच्छा लग रहा है, नहा के आके भी मैं इन्नी ठंड नहीं लगी, पर जो हवा चलन लग जाती है ना उदों थोड़ा जा बॉडी के अपने पेन होन लग जाता है, हल्का फुल्का कहिंदे ना स्वैटर कोटी तो हजे पऊगा, हजे तो बिल्कुल भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनगे। तो जिमें मतलब कई बार आप कह दें वैसे तो कहें ना आया बसंत ते पाला उड़ंत है ना, तो बसंत आन तो बाद ठंड तो एको दम चली जाऊगी, पर कहें ना हल्की जी ठंडक रही हैगी है, तो जिसनों आप इग्नोर करके तो बीमार हो जाने। कई बार मैं सोचती हूँ इस तरह ही बैठे बैठे भी मतलब कि आप है ना किस तरह का अपना मन हैगा, तो किस तरह आप सोचते रहने, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ माइंड चलता ही रहता हैगा। तो इन्ना माइंड जे साडा अच्छा अच्छा सोचन लग जाए तो जिंदगी दे विच कोई भी साडा सफर ना इस तरह ना जाए है ना। कई बार आप रिश्तियां पिछे मतलब इस तरह सोचन लग जाने है, तो मैं इस तरह ही अपने फ्रेंड सर्कल दे विच गल करती हुन्नी हाँ ना, कदे किसी नाल कदे किसी नाल, तो अक्सर गल्लां चलदियां रहिंदियां भी आपां किन्ना है ना एक दूजे के रिश्तियां नूं लै के है ना उहदी गल कर उहदी गल कर, तो अपना किन्ना दिमाग साडा चलन लग जाता है। खास करके आपां देख लो लेडीज़ का ही चलन लग जाता दिमाग, क्योंकि घर का काम भी आपां करदे आ तो दिमाग भी साडा इन्ना गोलियां वांगू चलता है ठा ठा। कई बार मैनूं कह दिंदे आ कहिंदे भाई धन दियां जनानियां जिहड़ा इन्ना काम भी करदियां तो इन्ना फोन के उत्ते गल्लां भी मार दियां, फिर दुबारे कहनगियां भी मैं ठहर के करूँगी हजे मैं काम कर लाँ। तो कई बार ना हसी मजाक करन लग जाते मैं कहते हजे भी गल्लां रह गई, मैं क्या होर वैसे देखा जाए तो गल्लां तो है ना गल तो इन्हां दी भी सच हैगी है। तो हुण देख लो जी मैं बाहर आ गई, इधर बाहर वाले साढ़े वेहड़े दे विच ते ये अमरूद का जिहड़ा पेड़ है ना ये उपरों हुण तो बस कहिंदे ना पत्ते ही पत्ते लैणगे,
ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਫਾਫੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਟਕੇ ਆਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਲਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਲੋਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਫਟਾਫਟ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਵਲੋਗ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਲਓ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ 1 2 3 ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੌਣੇ ਭਿਉਂਤੇ ਸੀਗੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੌਣੇ ਧੋਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਪੌਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਚੋੜੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਪੌਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚਿਕਨਾਹਟ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ ਕਈ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਾਹਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਪੌਣੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸੀਮਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਲ ਡੁੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਿੱਠੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਜੂਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਉ। ਔਰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
मेरा मन इस तरह का ही है कि मैं ये होंगे कि मैं अगर सब्जी बनाई है, दाल बनाई है या कुछ भी चीज़ बनाई है ना, तो वह मैं मतलब खुवाव, तो इनू बहुत पसंद है मेरे हाथ की। हूँ देख लो जी, मैं रजाई नू बाहर चक लई, हवा तो चल रही है पर रजाइयां नू ना धुप भी लवानी बहुत जरूरी हो जाती है। हूँ देख लो जी, मैं बिल्कुल थक गई, तो कल वांगू मेरी हालत होनी शुरू हो गई। तो जो थोड़ा जा भी ठीक हुन्नी आए हूँ कि ये काम कर लाँ आ काम कर लाँ, तो जो मैं थक जानी हाँ फिर मैं चुप चाप बैठ जानी हाँ। हूँ मिठू नाल थोड़ी जी मैं मस्ती कर रही हैगी हाँ, काम सारा हो चुके है। तो मिठू इधर उधर भजद, तो देख लो ये ना अज थोड़ा जहा वेड़ा धोता सी ना, तो पानी इस तरह पींदा, वैसे इन्हें देख लो हूँ तक पानी नहीं पीता है। हूँ इन थोड़ी थोड़ी ना समझ आ गई मिठू नू, तो ये मैं छोले गर्म कर ले, तुसी देख लो किन्ने सोहने अपने छोले बन के तैयार हो गए। तो अज मैनू कह रहे थे मेरे हसबेंड, कहते कि मतलब कि तू चलना है तो चल, मैं कह ना बिल्कुल भी मेरी तबीयत नहीं सही हैगी, तो मैं घर का काम करी जानी हाँ, तो बस इन्ना बहुत है कि मैं आपके घर के बीच ही चल फिर रही हैगी हाँ। मैनू कहते चल भी उत्थे ना कुछ मतलब इस तरह फ्लावर दे विच फोटो वगैरह मतलब खिंच रहे हैगे सारे जाने, तू भी वीडियो वगैरह बना ले। मैं कह ना मेरा मन नहीं हैगा, तो बिल्कुल भी कहते ना जदों सेहत ना ठीक होवे तो आपां कैमरे सामने भी किवें मतलब आ सकते हैं। तो मेरा मन जो अंदरों भी ठीक होंगे ना तो उदों ही मैं वीडियो शॉर्ट वीडियो वगैरह बनानी हूँ, तो जो मन ना ठीक हो फिर मैं बिल्कुल भी कैमरे के अगे भी नहीं आती हैगी, तो कोशिश भी कर ला ना तो फेस से रौनक नहीं होंगी हैगी। कहते ना मन की जड़ी खुशी होंगी है तो उही सानू कैमरे के अगे आन वास्ते मजबूर कर देंदी हैगी है। कई बार मैं वीडियो पाँनी हाँ ना तो फिर मैं वार बार उ वीडियो अपनिया देखती रहनी हाँ, बिस्टे मेरा मन ठीक से सारा ना, कहते मन का ही खेल होंगे है ना। तो ये मैं अपनी प्लेट लगाई है, तो देख लो मैं अंब का अचार रखे है। तो जिमें मैनू कल मैसेज आया सीगा एक कि तुहानू शूगर तो नहीं हैगी, नहीं डियर मैनू शूगर नहीं हैगी, तो मैं मतलब किन्नी बार शूगर चैक कराई हैगी है, बिल्कुल शूगर मेरी नॉर्मल हैगी है। तो ये मैनू विटामिन सी की गोली दसी हुई है डॉक्टर ने, तो मेरा जोड़ा ब्लड घट जाता वो करके ना मैनू प्रॉब्लम आन लग जाती है, जोड़ा मेरा मेरा मन करता रहा ना मैं चटपटिया चीज़ा खाव, तो ये सारा डॉक्टर ने दसिया हो कि ब्लड की कमी के नाल हों, इस करके मेरा नमकीन खाने जी करता है, भुजिया खाने जी करता है, चटपटिया चीज़ा खाने जी करता है। तो मैं डॉक्टर नाल डिस्कस करती रहनी हूँ जिमें भी मेरी तबीयत अपसैट होंगी है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। वाओ कैसा लग रहा है? वाओ आज फिर हो जाए? हो जाए और की। वाह वैलेंटाइन डे गिफ्ट दिता तुहानू मैं। थैंक यू। हाँ वापस ले लूंगी एक घंटे बाद बस। उई। क्योंकि 9 बजे तक तो होंगे वैलेंटाइन डे। हाय रब्बा। तो हूँ देख लो जी, साढ़े दोनों बीच चल रहा सीगा हसी मजाक, तो इन्हों मैं जदों ये बोतल दिती तो खुश हो गए। तो बस कहें ना थोड़ी थोड़ी मस्ती खुद को भी करन दी असी कोशिश करते हैं है ना, हसी मजाक तो अपने मन में असी इस तरह ही ठीक कर लेने हैं। तो हूँ देख लो सवेर नालों इन्हों का भी मूड के विच फर्क लग रहा है, पर थोड़ी जी तबीयत इन्हों की डाउन हुई पई है। तो चाह पीन तो बाद इन्हां ने हुण ऑफिस जाना सीगा, ते मैं अपना वीडियो दा काम करना सीगा, बस यही साडा अज दा दिन सीगा वैलेंटाइन डे दा। ते जे मैं बाहर जांदी ते मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनांदी, ते बस उही है गल तां सारे तबीयत और मन ते आ जांदी है। इस वीडियो दा पेंट इत्थे करांगे, कल नूं फिर एक नवी वीडियो दे नाल तुहाडे अगे हाजिर होवांगे। तो थोड़ा सारिया का फिर मैं दोबारे एक बारी थैंक्स कहना चाहनी हाँ कि तुसी मैनू दसदे हो, कई बार दसे तो ही पता चलता है ना इंसान नू एक दूजे दे नाल गल करके। तो ओके जी, बाय बाय।